नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024, रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 और एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2024 में पूछे जाने वाली हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हूँ। और आपको मैं बता दूं कि मैं आपको जितने भी हिंदी के प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ ये पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों परीक्षा अभी हाल फिलहाल में आपको 40 से 50 दिन के अंतर्गत होनी है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को बिल्कुल ध्यानपूर्वक लगाया करो, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस सेट तो ध्यानपूर्वक नहीं लगाते हो, फिर कहते हो कि हमारा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, हम अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं। तो प्रैक्टिस सेट से ही आप स्कोर बढ़ा सकते हो, अन्यथा आप किसी से भी अपना स्कोर नहीं बढ़ा सकते हो। मैं ये आपको गारंटी के साथ अभी बता दे रहा हूँ। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, जो आपके साथ इस बार यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 में सफलता हासिल करना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो प्रश्न संख्या 6 है आपके सामने कि इतिहास के आंसू के लेखक कौन हैं। तो कौन है, तो इतिहास के आंसू इसके जो लेखक हैं वो हैं दिनकर। कौन है? दिनकर है। 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने की पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 7 में कौन सा वाच्य है। तो इसमें जो वाच्य है वो है आपका कर्म वाच्य। कौन सा है? कर्म वाच्य। 7 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने के अष्टाध्यायी में कौन सा समास है। तो कौन सा समास है अष्टाध्यायी में? तो आप जानते कि जहाँ पर संख्या अगर आ जाए तो वहाँ पर होता है द्विगु समास। कौन सा होता है? द्विगु समास। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने की पट पीत मानव तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावर में कौन सा अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है? तो मैं आपको बता चुका हूँ कि जहाँ पर मनु मानव जनु जहना हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा? उपमा अलंकार। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो कौन सी संधि है चंद्रोदय शब्द में, ये आपको बताना है। तो चंद्रोदय में चंद्र प्लस उदय, इसका ये संधि विक्षित हो जाएगा और इसमें हो जाएगी गुण स्वर संधि। क्या? गुण स्वर संधि। तो ये गुण संधि दिया तो यही राइट आंसर हो जाएगा। 10 का आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न 11 है आपके सामने कि आँख के अंधे नाम नैन सुख का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ क्या है? तो इसका जो सही अर्थ होता है गुणों के विपरीत नाम का होना। क्या? गुणों के विपरीत नाम का होना। 11 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 है आपके सामने के प्रतिनिधि शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। तो कौन सा उपसर्ग जुड़ा है प्रतिनिधि शब्द में? तो प्रतिनिधि में उपसर्ग हो जाएगा प्रति। 12 का आंसर ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 13 है आपके सामने कि यमुना का पर्यायवाची है। तो कौन सा है यमुना का पर्यायवाची इन चारों में से? तो अर्कजा। क्या? अर्कजा। और ये यमुना का पर्यायवाची है। तो 13 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 14 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन छांटिए। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 14 में कौन सा बहुवचन है। तो तिनके। क्या? तिनके। ये एक बहुवचन शब्द है। तो 14 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि निम्न शब्दों में किस शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है। तो इनमें से कौन से शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में होता है ये आपको बताना है। तो हाथ। क्या? हाथ का प्रयोग ये पुल्लिंग में होता है और आपको अच्छा और अच्छी लगाने से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता चल जाता है। ये मैं आपको हर वीडियो में बताता आ रहा हूँ जब भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग से प्रश्न बनता है। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है। तो बताइएगा
इनमें से कौन सा शब्द है जो देशज नहीं है, यानी वो शब्द आपका विदेशज हो जाएगा। तो इलाज, इलाज एक विदेशज शब्द है। 116 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ससुर शब्द का तत्सम होगा, तो क्या हो जाएगा ससुर का तत्सम, तो ससुर का तत्सम होता है स्वसुर। क्या होता है स्वसुर। 17 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, चलेगा। तो प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि रजनी का पर्यायवाची नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो रजनी का पर्यायवाची नहीं है, तो भीख। क्या भीख ये रजनी का पर्यायवाची नहीं है। 18 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि आश्चर्य, हर्ष, भय और तीव्र मनोवेग प्रदर्शित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया, किस चिन्ह का प्रयोग होता है, तो किसका प्रयोग होता है बताइएगा। तो इसमें जो होता है वो ये होता है आश्चर्यबोधक वाले का, यानी संबोधन वाले का। तो ये 19 का ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी दंत वर्ण की अंतर्गत वो शब्द नहीं आता है। तो ये जो टा टमाटर है ये दंत वर्ण के अंतर्गत नहीं आता है। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं, तो कौन से होते हैं अनुनासिक व्यंजन, तो ये अनुनासिक होते हैं वर्ग के पंचमा अक्षर, जो यानी ये होता है का वर्ग का पांचवा अनुनासिक, ये च वर्ग का ये और टा वर्ग का ये, तो ये सब जो पांचवें अक्षर यही अनुनासिक होते हैं। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि केला किन ध्वनियों से मिलकर बना है, यानी केला का आपको हर एक शब्द का अक्षर का आपको अलग अलग लिख करके लिखना है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 22 का आंसर बी वाला, ये हो जाएगा केला ध्वनियों से मिलकर, ये ध्वनियों से मिलकर बना है। प्रश्न 23 है आपके सामने कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन असत्य है, यानी आपको इनमें से असत्य बताना है कि कौन सा असत्य है। तो जब व्यंजन को स्वर सहित दिखाना होता है तो व्यंजन के नीचे हलंत लगते हैं बताइएगा। वर के सभी व्यंजन स्वर्ग रहित होते हैं, वर्णमाला के सभी व्यंजन स्वर रहित होते हैं, वर्ण भाषित ध्वनियों को लिखित रूप होता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 का आंसर डी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि मलिक मोहम्मद जायसी किस काल के कवि हैं, तो किस काल के कवि हैं, तो आप जानते कि जो मलिक मोहम्मद जायसी इनकी जो फेमस पुस्तक है ये है पद्मावत, और ये एक हैं भक्ति काल के कवि, यानी 24 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि महाभारत में नायक युधिष्ठिर किस प्रकार के नायक थे, तो ये किस प्रकार के नायक थे बताइएगा युधिष्ठिर महाभारत में, तो महाभारत में जो युधिष्ठिर थे वो एक धीरोदत्त नायक थे, क्या धीरोदत्त। 25 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम से सुशोभित करने वाले व्यक्ति थे, तो कौन से व्यक्ति थे, तो मुंशी धनपत राय को प्रेमचंद नाम से सुशोभित करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे मुंशी दया नारायण, कौन मुंशी दया नारायण। 26 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि आवर्तक का विलोम है, तो कौन सा है आवर्तक का विलोम, तो आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक, क्या होता है अनावर्तक। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि कच का अनेकार्थी नहीं है, तो इनमें से कौन सा है जो कच का अनेकार्थी नहीं है, तो कच्चा, ये कच का अनेकार्थी नहीं है। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि निष्फल ना होने वाला के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अमोग। क्या हो जाएगा? अमोग। 29 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि समश्रुत भिन्नार्थक शब्द द्वीप दीप का अर्थ क्रमशः है, तो इसका अर्थ क्रमशः क्या हो जाएगा, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा, द्वीप का अर्थ होता है हाथी और दीप का अर्थ होता है टापू। क्या होता है? टापू। तो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 131 है आपके सामने कि निम्नलिखित में एक वाक्य अशुद्ध है, तो बताइएगा इनमें से कौन सा वाक्य जो अशुद्ध है। तो वह कमरे में जाकर सो गया, ये एक अशुद्ध वाक्य यहां पर होना चाहिए थी। वह कैसा हुआ? ये एक अशुद्ध वाक्य है कि वह कमरे में जाकर के सो गया, तो ये आप बताओ कि यहाँ पर कौन सी कमी है, कौन सी जगह पर गलत लिखा गया है। यहाँ पर होना चाहिए था कि वह कमरा में जाकर सो गया, कमरे नहीं होना चाहिए था, ठीक है। कमरा का ये क्यों बहुवचन आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, और ये एक वचन है। तो 31 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 से आपके सामने कि कारकों के बोध के लिए संज्ञा या सर्वनाम के आगे जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम विभक्ति कहते हैं। क्या? विभक्ति कहते हैं। 32 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्य व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इनमें से कौन सा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो गंगा भारत की पवित्र नदी है, ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि जो गंगा शब्द है ये व्यक्तिवाचक है, तो यही इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 33 का आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, तो इनमें से कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है नहीं है, 34 का आंसर क्या हो जाएगा, तो श्याम। क्या? श्याम ये सर्वनाम नहीं है। 34 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि रचना की दृष्टि से कौन सा क्रिया का प्रकार नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है रचना की दृष्टि से क्रिया का प्रकार, तो वर्तमान कालिक। क्या? वर्तमान कालिक ये रचना की दृष्टि से क्रिया का प्रकार नहीं है। 35 का आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि मोहन ने पढ़ा है यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है, मतलब मोहन ने पढ़ा इसका आपको भूतकाल बनाना है, तो क्या हो जाएगा, तो मोहन ने पढ़ा होगा, क्या इसकी एक संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि जागा जागा संसार प्रबल दे गया काम तक्षण वह जल देखा बामा वह ना थी अनल प्रतिमा वह, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो कौन सा अलंकार है बताइएगा। तो यहाँ पर भ्रांति हो रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, संदेह लग रहा है, भ्रांति हो रही है, क्योंकि आप गुमराह हो रहे हो, तो आप भ्रांति हो रही, तो यहाँ पर कहाँ हो जाए, भ्रांतिमान अलंकार। 37 का आंसर ऑप्शन संख्या सी। अथवा व्याकरण की दृष्टि से है, तो क्या है अथवा व्याकरण की दृष्टि से, तो अथवा ये एक अव्यय है, क्या है ये एक अव्यय है व्याकरण की दृष्टि से। 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा, तो अगला प्रश्न है आपके सामने 39 की निम्नलिखित में से कौन सा स्थाई भाव नहीं है, तो इनमें से कौन सा स्थाई भाव नहीं है, तो विषाद। क्या? विषाद ये एक स्थाई भाव नहीं है। 39 का आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि वार्णक छंदों में किसका विचार होता है, तो किसका विचार होता है वार्णक छंदों में, तो वार्णक छंदों में वर्णों का विचार होता है, किसका होता है वर्णों का। 40 का आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।